बॉटल था। चल एक घूंट पानी पी लेना, ठीक है? सारे बुक्स वगैरह रख लिए? हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पारुलान्या ब्लॉग में। तो सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। आने जा रही है स्कूल और ये देखिए सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं और ये देखिए मौसम, देखिए क्या कह रहा है, इतनी तेज़ धूप। और आज मेरा कोई काम नहीं हो पाया है, केवल क्योंकि बेटा पहले ही उठ गया था तो उसने बहुत परेशान करा था। आज मैंने केवल लंच बना के आने को रख दिया और बाकी कोई काम नहीं किया। सबसे पहले मैं कर लेती हूँ सारा काम, क्लीनिंग, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर मेरा काम फिनिश हो गया है, मेरा बेटा भी नहा धो के तैयार हो गया है जो मेरे साथ गेम खेल रहा है। और हम दे देते हैं इसको टॉयज़ का फेवरेट और बना लेते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो भी मैंने नहीं किया था। तो टाइम करीब 8:30 कुछ बज रहा है। तो यहाँ पर मैंने बनाई है पीनट चाट जो बहुत ही टेस्टी बनती है, मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है, तो वो तो डेली खा ले दिन में 2 बार, बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने ये बनाई है और फटाफट कर लेते हैं हम लंच की भी तैयारी, और क्योंकि भूख लग रही है। अन्य भी 1-2 घंटे में आ जाती हैं 2:30 बजे तक। तो यहाँ पर मैंने राजमा पहले ही बॉईल कर लिया था, केवल मुझे फ्राई करना था। तो मैंने फ्राई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन कूट कर बस इतना ही नॉर्मल ही फ्राई किया था मैंने, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। और नमक मिर्च मसाले तो आपको पता ही है जो डलते हैं वही डाले, और बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे घर में ये, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड को। आप सबको भी पसंद होगा क्योंकि सभी का फेवरेट होता है राजमा चावल, राजमा रोटी, मुझे केवल राजमा ही पसंद है। तो मैं भी खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पनीर भी खा लेता है, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चावल भी चढ़ा दिए हैं आज, तो मेरे साथ बहुत बड़ा पोपट हो गया क्योंकि चावल चढ़ाए उसमें से भी पानी निकल रहा था, उससे पहले राजमा वाला उसमें से भी पानी निकल रहा था। तो मेरी आज गैस इतनी मैसी हो गई, सब जगह पानी 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 ऐसे करके पूरा फैल चुका है। तो यहाँ पर मेरे राजमा एकदम से बन के तैयार हो गए हैं, चावल भी बन गया है, बस मुझे सेकनी है रोटी। और मैं देखिए कितना अच्छा राजमा बना है, देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। तो मैं जल्दी से सेक लेती हूँ रोटी, और रोटी सेकने के बाद मुझे क्योंकि करनी है ये सारा क्लीन। ये देखिए कितना गंदा हो रहा है, यहाँ भी पानी निकल गया राजमा का, चावल से भी पानी निकल रहा था, ये भी गिर गया मुझसे आज। तो आज वो देर वाले काम, वो जल्दी जल्दी करते हैं ना तो हड़बड़ाहट रहती है, ये करना है वो करना है, तो वो सब का ख़राब होता चला जाता है काम। एकदम से बन गया है राजमा चावल रोटी दोपहर का। अब मैं ये जल्दी से किचन क्लीन कर लेती हूँ, जो पहले मैंने थोड़ा पानी डाल के से भिगोने छोड़ दिया था ताकि सूख जाए। और मेरा यह इधर कोने में आपने नोटिस किया होगा और ब्लॉग्स में एक बड़ा सा मटका रखा था, पहले मैं उसमें पानी भर के रखती थी, लेकिन ये जब से गर्मी आई ना चिपचिप वाली, तब से क्या हो रहा था कि वो घड़े के ऊपर फफूंदी आ रही थी। और हम भी इधर उधर ज़्यादा जा रहे थे घर पर, कहीं कहीं चले गए, बेटे का बर्थडे था, तो उस चक्कर में वो साफ़ भी नहीं हो पा रहा था, जल्दी से फफूंदी आ रही थी। तो मैंने धो धा के उल्टा करके रख दिया था कि ठीक है फिर थोड़े टाइम बाद यूज़ करूँगी, फिर मैंने यूज़ करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि वो बड़ा इतना था, फिर उसमें से कोई पानी नहीं पीता था, मैं ही पी लेती थी। तो मैंने फाइनली आज उसको यहाँ से भी उठा के शिफ्ट करा दिया कहीं। और ये देखिए साफ़ करते करते मेरा कपड़ा कितना काला हो गया है, सारी डस्ट गंदगी। तो आज मेरी किचन की हो जा रही है डीप क्लीनिंग, क्योंकि तेल वेल वगैरह वैसे तो डेली ही करते हैं हम सभी लोग, लेकिन आज ज़्यादा ही हो रही है क्योंकि स्लिप वगैरह बहुत गंदी हो रही थी, टाइल्स वगैरह मैंने सभी अच्छे से मांज दिया। तो यहाँ पर मैं साथ ही साथ बर्तन भी धोती रही थी और कुछ बर्तन रह गए थे वो मैं अब जल्दी से जल्दी बस धो लेती हूँ। अब को लगा के आई हूँ गेम में, बहुत सारे टॉय दे के आई हूँ कि वो ताकि खेले, मैं फटाफट से अपना काम फिनिश कर ले रही हूँ। तो डीप क्लीनिंग तो सभी के घर में अब चली रही होंगी क्योंकि त्यौहार का टाइम आ गया है, त्यौहार सीज़न है, केक के बाद एक के बाद त्यौहार शुरू हैं। सबसे पहले हमारे घर सबके घर में गणपति आएंगे 18 तारीख को ही हैं, 18 सितंबर को। तो इस चक्कर में सभी सफाइयां कर रहे होंगे, वही मैं कभी ये कोना साफ़ कर देती हूँ, अभी वो कोना साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पूरा एकदम से तो नहीं क्लीन कर सकती क्योंकि बेटा छोटा है तो वो कभी परेशान करता है बहुत ज़्यादा। तो आप सब ज़रूर बताइए आप किस किस के घर में सफाइयाँ शुरू हो गई हैं, कौन कौन गणपति को लेके आएंगे। करते करते देखिए मेरे तवे का हैंडल ही टूट गया, इतनी जोर से मैंने तवा धोया। खैर ये बहुत पुराना हो गया है, 8-9 साल हो गए इस तवे के लिए, हैंडल निकल गया है, वो लगवा लूँगी। तो मैं बेबी की धो लेती हूँ बॉटल, फिर बाद में बॉयल कर देती हूँ।
तो सफाई वगैरह आप सबके यहाँ भी हो रही होंगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस किस ने कितनी सफाई कर ली है, कितनी रह गई है या पूरी रह गई है। मेरी तो यही कोना वो कोना चल रहा है। और ये देखिए बातें करते करते मेरा सारा क्लीन हो गया है किचन। ये कोना अच्छे से क्लीन कर दिया है, बर्तन धो दिए, सिंक विंक सारा अच्छे से साफ कर दिया है। और काम करते करते इतनी ज़ोर से प्यास लगती है कि मानो हमने कब से पानी ही नहीं पिया हो। तो सबसे पहले मैं पानी पी लेती हूँ, फिर साथ में ही टाइम बचाने की बॉटल भी साथ में भर के रख देती हूँ कि बाद में एक्स्ट्रा ना रह जाए बॉटल भरनी है। और बाहर का मौसम देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है, गर्मी तो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एकदम लगातार बारिश हुई 3-4 दिन गर्मी के मारे, प्लांट्स भी देखिए सारे सूख चुके हैं। पानी डालते हैं बट धूप बहुत तेज़ है, कुछ में फूल खिल गए हैं, कुछ ऐसे विकार हो रहे हैं। तो मौसम थोड़ा ठीक हो जाए तो मैं किसी दिन अच्छे से सारे प्लांट्स में खाद वगैरह डालूंगी, सब गुड़ाई वगैरह करूंगी। अभी मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि बेटा छोटा है, वो भी साथ में लगा रहता है तो उसको ज़्यादा ना गर्मी लगे। इसलिए किसी दिन अच्छा मौसम हुआ उसी दिन मैं ये सारा अच्छे से साफ करूँगी। देखिए मेरे प्लांट्स सब बेकार हो रहे हैं। कैक्टस का प्लांट सबसे अच्छा लगता है। यहाँ पर बनी और बनी के पापा सो रहे हैं, बस आन्या आने वाली है, लेकिन बस ये आवाज़ से ही उठ जाएगा। यहाँ पर आन्या आ चुकी है, आते ही छुप जाती है गार्डन में, प्लांट्स तोड़ने लग जाएगी। उसे बहुत मन भी होता है खेलने का यहाँ पर, लेकिन अभी आजकल धूप बहुत तेज़ हो रही है इसीलिए यहाँ खेलने नहीं दिया जाता इसे। तो यहाँ पर बनी भी उठ चुका है, ये सबसे पहले उठ के बैठ जाता है। तो आज आने के लिए दो सरप्राइज़ हैं, हमने आज लगाई आने के लिए मूवी, और टीचर नहीं आने वाले हैं इसलिए डांस कर रही है प्रोजेक्टर पे। आज मूवी लगाई है, ये डिटेक्टिव की है विद्या बालन की, बहुत अच्छी है नियत। तो आज आने के लिए दूसरा सरप्राइज़ है कि हम जा रहे हैं पार्क, वहाँ पर आन्या करेगी इंजॉय खूब। मैं करने वाली है आन्या इंजॉय खूब, इसीलिए अभी से दोनों डांस कर रहे हैं अच्छे से कि वहाँ पर अच्छे से इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर मैं जूते पहनने वाली थी, उसमें पहले कोई आके बैठ गया है मेडअप, अचानक मैंने ऐसे ही पैर नहीं डाला। वो तो बहुत डर लगता है, मेडअप भी बेचारा डर के मारे चला गया, ये दोनों चीख रहे हैं। तो हम चल पड़े हैं पार्क की तरफ। जो बरेली में रहने वाले होंगे उन्हें पता होगा गांधी उद्यान पार्क कहाँ पर है और क्या क्या उसमें अलग चीज़ें हो गई हैं। वैसे मैंने सुना उसमें भूल भुलैया का मिरर वाला कुछ बन गया है सेक्शन, मैं भी कई सालों से नहीं गई हूँ, मैं भी बहुत सालों बाद जा रही हूँ यहाँ पर। तो हम पहुँच चुके हैं गांधी उद्यान पार्क। तो यहाँ पर ये बबल्स आन्या को चाहिए थे कि ये लेना है, तो अंदर चलते हैं। तो ये रहा वो भूल भुलैया का मिरर वाला, अंदर लेके जाता है। सामने तो बल्लू के एक्शन पूरा ये भूल भुलैया मिरर वाला एंजॉय करके आ चुके हैं बाहर। बच्चों ने खूब एंजॉय करा, बनी तो जहाँ हाथ लगा रहा था वहाँ पे देख रहा था ये बन ये बन ये बन। तो कराते हैं बच्चों को, थोड़ा गेम खिलवाते हैं और हम भी थोड़ा यहाँ पर शांति से बैठते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर, फिलहाल शाम का टाइम, हवा चल रही थी, भीड़ भी अच्छी खासी देखिए। पर अंदर जाके कैंटीन भी थी, आन्या ने शुरू से ही देख ली थी कैंटीन, वहीं से जिद करने लगी आइसक्रीम खाना है। तो बनी के पीछे हटता उसने भी आइसक्रीम ले ली, जो आन्या को चाहिए वो बनी को भी चाहिए, दोनों को आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो यहाँ पर आइसक्रीम खाकर दोनों झूल रहे हैं, झूला झूला क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं खाना खा के, और थोड़ी सी पतली हो जाऊँ। और यहाँ पर बनी भी अपना गेम कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेता खेलने के लिए बच्चों के साथ में। और यहाँ से आने का हम थोड़ी देर में मन ही नहीं कर रहा था इसका, तो हम बार बार जिद कर रहे थे चलो, फिर वापस आ जा रहा था, फिर ले जा रहे थे, फिर चलो, बहुत जीत रहा था। तुम भी दौड़ो दौड़ो जाओ बेटे, वापस भी आना होता है। बन्नू आ जाओ आ जाओ आ जाओ
आ जाओ। अरे आ जा। हो गया था गुस्सा वहाँ पर, वो हमने बोल दिया था आगे जाओ खेलो, तो वो गुस्सा हो गया था कि ये लोग क्यों नहीं आए, मैं ही अकेला क्यों गया। तो यहाँ दोनों को बिठा दिया है थोड़ी देर, तो इससे अकेले में डर लग रहा था फिर से, तो हमने को ही बिठा दिया है। तो हम थोड़ी देर बैठे हैं, बच्चे बस खेल रहे हैं, इसका थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए तथा गेम खिला रहे हैं। तो अब चलते हैं घर की तरफ। तो देखिए एक बाहर एक लड़का, ये छोटा सा ये बबल्स वाला ये बेच रहा था, इसलिए जीत गए दोनों लोग। बबल्स लेकर निकल चुके हैं घर की ओर, तो घर आ चुके हैं। घर में सब तैयारियां मैं करके गई थी खाने, केवल रोटियां सेकनी थी, मैंने यहाँ रोटियां सेकी और आन्या ने मेरे लिए एक ठंडा ठंडा ग्लास का पानी का दे दिया कि अब गर्मी में से हो गई हो तो पानी पी लो पहले। तो कैसा लगा आज, आप आज आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।